हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं वार्म अप से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि वार्म अप का वीडियो मैं बहुत कम लेती हूँ, ऐसा मुझे कंप्लेंट आ रहा है। क्योंकि वार्म अप एक्चुअली क्या पता है, मैं बहुत सारे वार्म अप के एक्सरसाइज ऐसे जिसमें से कुछ सिलेक्ट करके रोज़ वो करती हूँ, सेम रिपीट नहीं करती। हाँ, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे कि ये, इस तरह के जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं वो मैं जो फिक्स है 4-5 वो मैं फिक्स करती हूँ। बाकी के रेगुलर एक्सरसाइजेस में जो वार्म अप की एक्सरसाइज है उसमें मैं थोड़ा शफल करते रहती हूँ, तो मुझे भी बोर नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए। सेम रिपीट करना कंटाला आ जाता है कभी कभी। और जैसे कि आपको पता है कि रोज़ मैं अलग अलग एक्सरसाइज करती हूँ, कभी शोल्डर, कभी चेस्ट, कभी स्टमक, तो आज शोल्डर एक्सरसाइजेस है। और मैं अभी ये भी मेंशन करूँगी, मेरे टाइटल में एक्चुअली मैंने आज तक कभी मेंशन नहीं किया था, सिर्फ मैं अपने वीडियोज़ में बताती थी कि मैं आज कौन सा एक्सरसाइज कर रही हूँ। बट मुझे सजेशन दिया जा रहा है बहुत लोगों से कि आप टाइटल में भी मेंशन कीजिए कि आप कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हो, तो सर्च करने वालों को भी इजी होगा। और क्योंकि ऐसे ही एक्सरसाइजेस का मैं वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोगों को भी जब आप सर्च करेंगे मेरे एक्सरसाइजेस में कि शोल्डर का एक्सरसाइज कौन सा है, स्टमक का कौन सा है, बैक का कौन सा है, तो वो आपको इजीली सर्च करने के लिए इजी हो जाएगा। और एक्चुअली बहुत होते हैं, जैसे कि शोल्डर के एक्सरसाइज अगर मैं कहूँ कि अगर 10-12 है, तो उसमें से मैं कुछ 7 या 8 कर पाती हूँ, मेरा टाइम हो जाता है, मैं 1 से 1.5 घंटे तक ही जिम वर्कआउट कर पाती हूँ, फिर मुझे बाकी का भी शेड्यूल अपना संभालना होता है। अगर मैं 2 से 2.5 घंटा करूँ तो शायद मैं 12 या 13 एक्सरसाइजेस भी कवर कर पाऊंगी, बट मेरे लिए 1 से 1.5 घंटा काफ़ी हो जाता है, कभी कभी 1 घंटे में ही काफ़ी हो जाता है एक्सरसाइजेस। जब स्टमक करती हूँ ना, तब मुझे 1 घंटा 10 मिनट ही काफ़ी हो जाता है। तो आज वार्म अप के बाद साइकिलिंग की, बाद में ट्रेडमिल किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने शोल्डर के एक्सरसाइजेस स्टार्ट किए। अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हो मुझे ज़रूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करते रहती हूँ आपके कमेंट्स का। जैसे कि मैंने कहा कि आपके कमेंट्स की वजह से मुझे थोड़ा बूस्टअप होता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया। सिर्फ दिखावे के लिए मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ, ये एक्चुअली मोटिवेशन के लिए डालती हूँ, क्योंकि मैं खुद ऐसे वीडियोस देख के ही मोटिवेट हुई हूँ। जिम का आइडिया एक्चुअली 1 साल से राज मेरे पीछे लगे थे, जैसे कि मैंने आपको, आप अगर मेरे वीडियोस फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं पिछले 1 साल से राज मेरे पीछे लगे थे कि तू एक्सरसाइज कर। वो तो मुझे रोज़ अपने साथ भी लेके जाने की कोशिश करते थे, बट मैं ही नहीं जाती थी, आलस कर लेती थी। बट फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू वीडियोस देख, तुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ऐसे तो तू करने से रही। फिर मैंने रोज़ थोड़े थोड़े ऐसे एक्सरसाइजेस के वीडियोस देखे, जिससे सच्ची में मुझे मोटिवेशन मिला कि नहीं, अगर ठान ले तो क्यों ना हम जिम ज्वाइन कर सकते, ठानना चाहिए, बस दिल में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो बस वही हुआ है फ्रेंड्स, कि किसी और के वीडियोज़ देख के अगर मैं मोटिवेट हो रही हूँ, तो आप मेरे वीडियोज़ देख के अगर कोई और मोटिवेट होता है तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होगी। और मज़ा आता है जिम में एक्सरसाइज करना। अभी पहले कैसे चैलेंज हो गया था मेरे लिए 1 महीने के पीछे, अभी तो मैंने 1 महीना कंप्लीट कर लिया है जिम में, बट 1 मंथ बैक जब मैंने ज्वाइन किया था जिम, मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि किस तरह से मैं कर पाऊँगी या नहीं। 3 दिनों के बाद तो ऐसा लगा था, नहीं बाबा, इससे ज़्यादा तो मेरे से होगा नहीं, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, पैर दर्द हो रहे, पीठ दर्द हो रहा है, घर के रोज़ाना के काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्यों जिम जाऊँ। इस तरह का भी एक सोच आ गई थी मेरे दिमाग में कि नहीं बाबा, अभी शायद नहीं हो पाएगा, मैंने गलत डिसीजन ले लिया। बट नहीं, जैसे ही रेगुलरली, और राज पुश करते थे मुझे कि नहीं, होता है दर्द, तू जा, नहीं जाएगी तो तू फिर कभी नहीं कर पाएगी, तुझे जाना ही पड़ेगा, इस तरह से मुझे वो पुश करते थे कि हाँ, एक दिन पहचाए तो रेस्ट ले, जब जब ज़्यादा दर्द होगा, जब लेग डे करेगी तब ज़्यादा पेन होता है, ऑब्वियस है। आज भी मुझे लेग डे के बाद नेक्स्ट डे जाने को होता ही नहीं, तो मैं सैटरडे लेग डे करती हूँ ताकि मैं संडे रेस्ट कर पाऊँ, उसके दिन मंडे फिर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो जब मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है, मैं ऑब्वियस है कि मैं रेस्ट ले लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं 30 के 30 दिन ही जिम जाती हूँ, मैं हफ्ते में कभी कभी 2 बार छुट्टी ले लेती हूँ, जैसे संडे का 1 छुट्टी तो होता ही, और बीच में कभी मैं ट्यूसडे वेनसडे भी छुट्टी ले लेती हूँ। उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि अरे आप तो, मुझे लगा था आप रोज़ ही जाते हो, आप छुट्टी लेते हो। मुझे कुछ लोगों ने अभी ये भी कहा कि आपका एक, कभी कभी एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आने के लिए 2 दिन लगते हैं, और आप फिर 15th डे के बाद 16th डे कैसे डालते हो। तो जब मैं जाती हूँ मैं वही डे डालूंगी ना, ऐसा नहीं है कि 16th डे गई, 17 छुट्टी की तो मैं 18th डे डालूंगी, ऐसा तो नहीं होता ना। जो डे मैं करती हूँ, मैं काउंट कर रही हूँ कि जितने 30 दिनों में 21 डेज हुए हैं मेरे,
तो 30 दिनों में अगर मेरे 21 डेज हुए तो ऑब्वियस है ना कि बीच में मेरे 10-12 छुट्टियाँ हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे मैं 3 दिनों में 3 दिन जाती थी और 2 दिन छुट्टी कर लेती थी, क्योंकि होता नहीं था। अब होता है, अभी मुझे उतना दर्द नहीं होता है। बट आपको पुश करने वाला चाहिए कोई, तो आप करते हो। अपने आप को पुश करना बहुत ही ज़्यादा विल पावर चाहिए, तो मुझे बहुत लोगों ने पुश किया, उसके बाद ही मैं भी रेडी हुई हूँ, इसीलिए मैं वीडियोस डालती हूँ। ये भी एक मेरा मोटो है कि मेरे वीडियोस देख के अगर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करता है या कोई जिम ज्वाइन करते हैं या कोई योगा स्टार्ट करता है, जुम्बा स्टार्ट करता है, या मतलब अपने हेल्थ की केयर, अपने फिटनेस की केयर कोई अगर मेरे वीडियोस देखने के बाद कर रहे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, आज मुझे यही कहना था, बहुत दिनों से ये मुझे कहना था तो आज मैंने कह दिया। तो अभी ये मेरे आगे के एक्सरसाइज आप मेरे म्यूज़िक के साथ एंजॉय कीजिए। आज एक्चुअली बातें ही ज़्यादा हो गई है, म्यूज़िक बहुत कम हो गया है, बट ये ज़रूरी थी फ्रेंड्स आपसे बातें शेयर करना, इसलिए कर रही हूँ। चलिए म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं।